चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, बुझे दीवे बलदे वेखे, हीरे दा कोई मोह न तारे, खोटे सिक्के चलदे वेखे, जिन्हां दा न जगते कोई, ओ भी पुत्तर पलदे वेखे, ओदी रहमत दे नाल बंदे पानी उत्ते चलदे वेखे। ग्लोबल सेंटर पे हम खाने दिखाते हैं। आज खाने की वो किस्म मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जिसकी कोई किस्म है ही नहीं। ये खाना अनोखा है, अकेला है, ख़ास है, आवाम के लिए है, अल्लाह के बंदों से है, अल्लाह के बंदों के लिए है। ये देग है ख्वाजा गरीब नवाज की, ये रिज़्क है खुदा का, ये समा, ये माहौल, ये रूहानियत, ये जज्बा, ये फराग दिली, ये खुशबू और ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए। हमने ऐसे स्ट्रीट फूड दिखाया, वेडिंग फूड दिखाया, कुछ फाइन डाइन भी दिखाया। हर फूड की एक कैटेगरी होती है, लेकिन आज के इस वीडियो में कुछ ऐसा फूड आने वाला है जिसकी कोई कैटेगरी है ही नहीं। अगर किसी ने मेरी इंस्टाग्राम की अपडेट देखी हो तो मैंने ये कहा था कि मैं एक यूनिक फूड की तलाश में निकला हूँ। अजमेर में हूँ, यहाँ के खादिमों की तरफ से मुझे एक इनविटेशन आया। उन्होंने कहा कि आपको यहाँ आना चाहिए और देखना चाहिए कि यहाँ पर दुनिया की एक सबसे बड़ी देग तैयार की जाती है। ये देग, इसकी बहुत सारी खासियतें हैं, वो तफसील है, वो क्या क्या है सारी इस वीडियो में कवर करेंगे। उस देग को बनते देखेंगे, मेरे पीछे वो देग रखी हुई है। पहले थोड़ा सा यहाँ के खादिम के साथ यहाँ की तफसील ले लें, पता कर लें कि हम किस मुकाम पर आए हैं। ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में हैं, उन्हीं के बुलावे पर हैं, तो जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया था। पहले उनसे थोड़ी सी बात करेंगे और फिर उनके साथ इस जगह को समझेंगे। अंबर भाई मेरे साथ मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिलहाल जो आप लोग यहाँ मौजूद हैं, ग्लोबल सेंटर की जो टीम है, हमारे साथ हमारे भाई जनाब मोहम्मद याया साहब मौजूद हैं। हम लोग मौजूद हैं अभी सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, जिनका मज़ार मुकद्दस अजमेर शरीफ में है और अजमेर शरीफ की दरगाह में फ़िलहाल अभी हम मौजूद हैं। सरकार गरीब नवाज की बारगाह में मैंने दावत पेश करी थी क्योंकि मैंने इनका चैनल देखा था। जो याया साहब हैं उन्होंने दुनिया के फूड को कवर कराया है माशाल्लाह। तो यहाँ पर अजमेर शरीफ में एक ऐसी चीज़ है जिसके वो पूरी दुनिया, पूरे बर्रे सगीर जिसका एंटायर साउथ ईस्ट एशिया, सबसे बड़ा देग यहाँ पर मौजूद है जिसको हम कहते हैं बड़ी देग। स्वीट राइस बनता है जो कि एक वेजिटेरियन फूड है। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं तो काफ़ी इसमें चीज़ें लोग बाग डालते भी हैं। हर इंसान का अपना अपना यकीदा होता है। ये बड़ी देग है जिसको आप अभी देख रहे हैं। ये तमाम 1568 AD में बनी थी, जो आज से तकरीबन 450-400 साल के पहले की बात है। इसकी तमाम जो रसूमात हैं अबाउट 400 ईयर्स अगो ये चल रही है और चलती रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा अंबर भाई, इस वक्त ये जो इसके अंदर सामान पड़ा हुआ है ये वो नजराने हैं जो लोग यहाँ पर, ये नजराना भी कह लीजिए, इसको मन्नत का भी कह लीजिए। जिस इंसान की जो मन्नत होती है, जिस इंसान का जो नजर नियाज होता है, वो यहाँ पर डाल करके जाते हैं बाकायदा। ये वो चावल हुआ, दाल हुआ, उनके राशन होते हैं तो वो भी यहाँ पर डाल करके जाते हैं। देखिए 3 घंटे का प्रोसेस होता है, 3 घंटे के अंदर ये सारी चीज़ें क्लीन होगी। क्लीन होने के बाद इसको बाकायदा पकाया जाएगा और फिर उसके बाद इसको सुबह फजर के टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो देग से बड़ी देग में जो चीज़ें चढ़ी हैं उसको निकाल करके यहाँ पर बाकायदा एक रखा जाता है। उसके बाद उसको देखा जाता है कि कौन सी चीज़ अनाज है, कौन सी चीज़ पैसा है, कौन से ऑर्नामेंट्स हैं और क्या सोना जेवरात वगैरह जो भी चीज़ होती है, उन सबों को यहाँ पर अलग अलग किया जाता है। जो खाने की चीज़ होती है फूड आइटम, वो फूड आइटम के तौर पर जाता है बैग के अंदर, और जो चीज़ें होती हैं राशन की वो राशन के तौर के ऊपर जाती है, जो कि वापस दरगाह में जब देग वगैरह बनती है तो इसको यूज़ करने के काम आ जाती हैं। और जो पैसे वगैरह होते हैं वो बाकायदा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। अगर कोई किसी वक्त नहीं बन सके देग, कुछ ऐसे हालात होते हैं, तो उस टाइम पर ये कॉन्ट्रीब्यूशन दरगाह की देग बनाने के काम भी आता है।
ये कंट्रीब्यूशन देख बनाने के काम भी आता है। अंबर साहब तफसील बताते गए और मैं इस देव कामत देख को देखता गया और अपनी हैरत को जीता गया। शाम हुई, मगरिब की अजान हुई और नमाज के बाद कुछ देर हम महफिल समा का हिस्सा बने और इंतज़ार किया रात के 11 बजने का, क्योंकि देग में मौसूल होने वाला सारा सामान देग से बाहर निकालने में और देग को खाना पकाने के लिए तैयार करने में 11 बज ही जाते हैं। कहानी ये है कि शाम से हम यहाँ पर मौजूद हैं। शाम को हमने देखा था कि उस देग के अंदर जो कोई भी अपनी तरफ से उसका ताउन करना चाहता है उस खाने को लेकर, तो लोगों ने अनाज भी डाला हुआ था, लोगों ने पैसे भी डाले हुए थे, वो सब अब बाहर निकाल दिया गया है, देग खाली कर दी गई है और कुछ देर के बाद उस देग की मेकिंग शुरू होगी, उस खाने की मेकिंग शुरू होगी। इसके लिए सामने मेरे लकड़ियाँ रखी हुई हैं, इसके जो नीचे चूल्हा जलता है उसकी चार साइड्स हैं, 50-50 किलो लकड़ी चारों साइड रखी जाती है, वो भी अभी आपको दिखाऊंगा। नीचे लकड़ी रखी हुई है, ऊपर देग खाली की जा चुकी है, थोड़ी देर के अंदर उस देग में खाना पकना शुरू होगा। इसी को कवर करने के लिए मैं अजमेर आया था और यही वो यूनिक फूड है जिसकी तलाश में मैं निकला था। तो इस यूनिक फूड को बनते देखने में और इसकी जितनी भी डिटेल्स हैं उनको मेरे साथ विटनेस करने में साथ रहिएगा। तो ये जो सीढ़ियाँ हैं, समझ लीजिए कि एक बड़ा सा चूल्हा है, उस पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, अंदर इसकी आग दिखा दी जाएगी और इसी तरह से ये देख पक कर तैयार होगी। बस 2 मिनट के बाद इसकी मेकिंग शुरू होगी और मैं आपको दिखाऊंगा। आज की इस देख का हदिया जिस फैमिली ने किया है यहाँ वो मौजूद है और उसी के ज़रिए से इस देख की बिस्मिल्लाह कराई जाएगी। उन्होंने आग दहकाई, कुछ शुरुआती सामान डाला और यूं इस देख के पकने की शुरुआत हुई। छोड़ दो, घूमने की राम काटने की जगह छोड़ दो, पीछे हट जाओ।
काम करने को भी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। जैसा कि आपने देखा है कि दरबार शरीफ में जो बड़ी देग है वो अभी बन रही है, देग के नहीं है, या फिर आप किसी भी तरीके का कोई रबता करना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरा नंबर इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मौजूद है, वहाँ से आप अपना नंबर ले करके और उसमें भी मुझसे रबता भी कर सकते हैं। नंबर भी हाथ लगवा, हाथ से लगवा। चलिए यहाँ तक का प्रोसीजर मैंने आपको दिखाया। इस देग में शुरुआत से पहले कुछ रिचुअल्स किए गए, खाई बांटी गई, उसके बाद इस देग में उन लोगों से जो आज की इस देग के स्पॉन्सर हैं उनसे शुरुआत कराई गई, बिस्मिल्लाह कराई गई, उसके बाद कुछ उनसे इसमें सामान डलवाया गया, उसके बाद यहाँ आग लगाने की बिस्मिल्लाह कर दी गई है। इसके नीचे इस वक्त आग जलाई जा चुकी है। मुझे अंबर साहब ने बताया था कि ये जो देग है इसमें 7 धातें हैं और वो इस हिसाब से बनी हुई है कि नीचे से इसमें आग लगे, ऊपर से ये गर्म हो। जैसे जैसे ये प्रोसीजर आगे बढ़ेगा मैं आपको दिखाता रहूँगा। इस पूरे प्रोसीजर में सारी रात साथ रहिए। अच्छा जी, ये अब वो सामान जो इसके अंदर जाएगा, यानी इसमें शुगर है, इसमें चावल है, अब ये चीज़ें यहाँ पर आनी शुरू हो गई हैं धीरे धीरे। जब इस देग में थोड़ी आँच आई है तो अब ये चीज़ें अगली जो इसमें जाएंगी यहाँ पर लगाई जानी शुरू कर दी गई हैं। जिस तरह से ये सिस्टम आगे बढ़ता रहेगा मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। अच्छा, अभी तक जो इसके अंदर चीज़ें गई हैं वो एक सबसे पहले तो पानी, हल्दी, उसके बाद केवड़ा, उसके बाद रोज़ वाटर, उसके बाद क्या गया था, आटा, उसके बाद इसमें आटा गया है। और अब जो मेन इंग्रेडिएंट इसके अंदर जाएगा वो यहाँ धीरे धीरे इकट्ठा करना शुरू कर दिया गया है। इसमें चावल होंगे, इसमें शुगर होगी। अच्छा जी, अब ये इधर से क्या आना शुरू हुआ है, शुगर आ रहा है। जो डिश यहाँ तैयार हो रही है उसका कुछ पर्टिकुलर नाम नहीं है। खुशबूदार रंगीन मीठे चावल होंगे जो आज इस देग में हम बनते हुए देखेंगे। आँच आनी शुरू हो गई है, धुआं उठना शुरू हो गया है, हल्का हल्का साइडों में से उबाल आना शुरू हो गया है। और रात का ये पहर तकरीबन 1:15 बज रहा है और हम लोग यहाँ इस तरह से काम कर रहे हैं। सब ताज़ा दम है, सब पुराज़म है, सब पुरखलूस हैं। अरे, ये देग इतनी बड़ी है, देव कामत देग है, तो उस देग में खाना पकाने के लिए चम्मच भी इतना ही बड़ा होना चाहिए था। ये उसका चम्मच है और ये चम्मच हाथों से नहीं चलता, सिर्फ हाथों से नहीं चलता, इसके साथ ये रस्सियाँ बंधी हुई हैं। अब ये किस तरह से इन रस्सियों के सहारे इस पूरी देग में घुमाया जाता है। देग के अंदर थोड़ी सी और हीट बढ़ जाएगी तो उसके बाद इस चम्मच का रोल शुरू होगा। इस चम्मच को वॉश करके ऊपर लाया जाएगा। इसके अंदर जो दो रस्सियाँ बंधी हुई हैं रस्सियों के जरिए किस तरह से, किस टेक्निक से इस देग में उसको चलाया जाएगा, ये सब अभी देखना बाकी है। उस चम्मच के साथ साथ जब इसके अंदर से लोग डिस्पेंस करने के लिए उतरेंगे तो जाहिर है इस इतनी बड़ी देग में उतरने के लिए एक सीढ़ी भी दरकार होगी। यही वो सीढ़ी है जो इस देग में लगाई जाती है और इसके ज़रिए से, इसके सहारे से शख्स उसमें उतरता है और बाल्टियों में भर भर के वो खाना जो उसमें बनेगा वो इन ड्राम्स में रखा जाता है। ये ड्राम्स अभी रेडी होने के लिए, यानी धुलने के लिए जा रहा है। मैंने आपसे कहा था इट्स अ यूनिक काइंड ऑफ फूड। इस देग में से डिस्पेंस करके इन ड्राम्स में निकाला जाएगा और फिर इसके बाद इन्हीं के अंदर से इसको एक एक करके बाहर लाया जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अभी ये सारे ड्राम्स वॉश होने के लिए जा रहे हैं। बड़ी। अब इस इतने प्लेटफॉर्म के ऊपर
पब्लिक की एंट्री रोक दी गई है, वहाँ पे बैरिगेड्स लगा दिए हैं, रस्सी बांध दी है, और अब यहाँ पर कोई पब्लिक में से कोई नहीं आ सकता। स्टाफ होगा और हम होंगे और आप होंगे। बहरहाल अब ये जो सामान यहाँ रखा है धीरे धीरे इसके अंदर जाना शुरू होगा। कहा जाता है कि ये देग इस दरबार में अकबर बादशाह ने हदीयतन पेश की थी। इस देग को बनाने में 7 मुख्तलिफ धातें यानी 7 मेटल्स इस्तेमाल किए गए हैं। इस तनासुब में, इस रेशो में यूज़ किए गए हैं। देग नीचे से गर्म होती है, उस आँच से खाना पकता है, लेकिन इस देग का ऊपरी हिस्सा बिल्कुल भी गर्म नहीं होता। ये मैंने ख़ुद भी एक्सपीरियंस किया, ये एक हैरान कन बात है। टेक्स्चर बदलने लगा है, खुशबुएं बदलने लगी हैं, और अब ये इसके अंदर अनाज डालना शुरू करेंगे। जो तरीका है इसमें चम्मच चलाने का, वो इस कदर टेक्निक है उसकी। इसके अंदर बहुत ज़्यादा अनाज जा चुका है, पानी है, और वो इस चम्मच को मूव करने के लिए कुछ ताकत इधर से लगती है, कुछ ताकत इन रस्सियों के ज़रिए इधर से दो लोग लगाते हैं, और यूँ इसके अंदर ये चम्मच चलता है, और ये चम्मच लगातार चारों तरफ घूमता रहता है। मेरे ख्याल में घी का कनस्तर, हाँ घी का कनस्तर खोला जा रहा है। अब इसके अंदर घी डल, जो ड्राई फ्रूट्स और मुरब्बे थे वो डाले जा रहे हैं। एक एक करके इंग्रेडिएंट्स जाते रहेंगे। बिस्मिल्लाह। ये इसमें फाइनली चावल जा रहे हैं, जो दरअसल चावल ही यहाँ बनेंगे, और चावल इसके अंदर डालेंगे। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कुछ रंग, हल्दी, घी गया है, चावल गए हैं, शक्कर गई है, पानी गया है, ड्राई फ्रूट्स गए हैं, मुरब्बे गए हैं, केवड़ा और अर्क गुलाब गया है, मेहनत लगी है, अल्लाह का नाम लिया गया है, और अब इसके लिए थोड़ा सा सब्र दरकार है। जब तक धीरे धीरे ये पकेगा, इसको फिर यहाँ से निकलता भी देखेंगे। तो आज की जो रात है, ये तकरीबन पूरी रात हमारी यहीं लगनी है। असल में इस रात की इस मेहनत ही को देखने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए मैं अजमेर आया था। मुझे जो बुलावा, जो इनविटेशन दिया गया था, वो इस इतने बड़े इवेंट को कैप्चर करने ही के लिए दिया गया था। तो इसलिए हम यहीं रहेंगे। चलिए, तकरीबन 2:30 बज रहे हैं, रात के 2:30, और ये देख, ये ख्वाजा गरीब नवाज की इस दरबार की ये देख, बड़ी वाली देख, चावल तैयार हो चुके हैं, खुशबू यहाँ तक आ रही है,
मीठे चावल हैं, उसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, रंग है, खुशबुएं हैं, जायका तो ऑब्वियसली होगा, साथ में खुलूस और दुआएं भी हैं। अभी इस इतनी बड़ी देग के अंदर सीढ़ी लगा के इसके कारकुन जो है वो उतरेंगे और इस डिस्ट्रीब्यूशन को शुरू करेंगे, इसको डिस्पेंस करेंगे, बाल्टी में निकाल के ऊपर पकड़ाएंगे और ऊपर खड़े हुए शख्स वो उस बाल्टी से पलट कर ड्राम में डाल देंगे और यूँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसमें से निकाला जाएगा। ये पूरा प्रोसीजर लगभग अब अपने अख्ताम को पहुँच रहा है और हमारा वीडियो भी थोड़ी देर और हमारे साथ रहिए। सवालात आपके जहन में ज़रूर आ रहे होंगे, मैं बता दूं, इस देग को बनवाने के लिए अगर किसी शख्स की कोई ख्वाहिश है तो वो किसको रابطہ करें, यहाँ की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, यहाँ के कोई शेड्यूल्स चाहिए, यहाँ के बारे में कुछ भी आपको पूछना है, अंबर चिश्ती साहब उनका मैं नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको जो भी कुछ पूछना है आप सब खुश आमदीद हैं और उनसे कभी भी कॉल करके बात कर सकते हैं। यहाँ के निज़ाम के बारे में कुछ पूछना है या कोई भी और इंक्वायरी हो या इस देग के बारे में आपकी ख्वाहिशों के आप बनवाना चाहते हैं, जैसे आज एक फैमिली बनवाई तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका कांटेक्ट नंबर ईमेल एड्रेस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थोड़ी देर में बस इसकी डिस्पेंसिंग शुरू होने वाली है, वो देखेंगे किस तरह से होती है, वो भी एक बड़ा निज़ाम है, सीढ़ी जाएगी, इंसान जाएगा, बाल्टियाँ जाएंगी, वो सब अभी आपको दिखाते हैं। कहने के लिए एक बर्तन है, सबसे बड़ा बर्तन जो आज तक हमने अपने कैमरा पर रिकॉर्ड किया है, सीढ़ी लगा के इसके अंदर उतरा जाएगा। अच्छा, बहुत से लोगों को ये गलतफहमी है कि ये जूते पहनकर इसमें उतरा जाता है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। ये जो ये साहब दो अपनी टांगों पर ये पहने हुए हैं, ये बूट से भी ज़्यादा लंबी चीज़ है और ये अंदर इसके टाट है, ऊपर इसके साफ कपड़ा है और उसको बंद से बांध रखा है। बहरहाल साफ़ सुथरे होते हैं, धुले हुए होते हैं और इस तरह से ये डिस्पेंस किया जाता है। चावल बहुत गर्म है, ये जो भी साहब इसमें उतरे हुए हैं ये इससे ज़्यादा नीचे फ़िलहाल नहीं जाएंगे और जहाँ तक हाथ जाएगा वहाँ तक अपने हाथ ही से बाल्टियाँ भर भर कर ये बाहर की तरफ देते रहेंगे। ये सब कुछ एक आर्ट से कम नहीं है। ये देखिए आप, ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਉੜਦੇ ਪੰਛੀ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਜ਼ਖੀਰਾ ਨਾ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਖ ਪਖੇਰੂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਜ਼ਖੀਰਾ ਬੰਦੇ ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। अब स्टेटस ये है कि ये पूरा निज़ाम, ये पूरा सिस्टम, पूरा प्रोसीजर अब अपने अख्ताम को पहुंच रहा है, खाना बन चुका है, ये देख तैयार हो चुकी है, खानों को निकाला जा रहा है डिस्पेंस करने के लिए, छोटे छोटे ड्राम जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाए थे उनके अंदर स्टोर करके रखा जा रहा है। अभी रात के 3 बज रहे हैं, ये खाना जब फजर की अजान होगी और नमाजी यहाँ पर आएंगे, नमाज़ पढ़ के जब लौटेंगे तो उनके लिए रेडी मिलेगा। और अब यहाँ से अजमेर से ख्वाजा गरीब नवाज के इस दरबार से मुझे यानी मोहम्मद याया को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।